प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को नजर आ सकता है। प्राज इंडस्ट्रीज भाई बाय कॉल आता हुआ ये काफी देर पहले पकड़ा भी था वीरू ने कि इसको रडार पे रखिएगा, उसके बाद मेरे ख्याल से गावा सर ने उस पर कॉल दे ही दिया था और अब फिर से बाय कॉल आता हुआ स्क्रीन पर। कुछ स्टॉक्स जो कैश मार्केट में मूव कर रहे थे जिनकी पिक लेने की कॉल लेने की जरूरत नहीं है, बस ऐसी मार्क करके जा रहा हूं। एडीएफ फूड्स अच्छा कर रहा है 7.5% का उछाल। तानला प्लेटफॉर्म्स मेरे ख्याल से महेश्वरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ही मेंशन करा है 6% की मजबूती के साथ तानला प्लेटफॉर्म्स इस समय कामकाज करता हुआ अच्छा मूव उसमें आया। नौसिल देखिए आज 9% के उछाल के साथ वहां पे कामकाज, तो नौसिल में बढ़िया मूव। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स आने की छोटा हो जाता है उसमें अच्छा मूव। टाटा कम्युनिकेशन तो हमने बातचीत करी थी 6.5% के उछाल के साथ अब टाटा कम्युनिकेशन इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एनआईटी लिमिटेड में अच्छा मूव आता हुआ, तो कई सारे अच्छा सरकारी डिफेंस कंपनीज जरा बीएमएल हमने एचएल मार्क करा था बीएमएल को स्क्रीन पर लेकर आइएगा 6% के उछाल के साथ बीएमएल इस समय कामकाज कर रहा है। डीएफएम फूड मेरे ख्याल से उस पर तो खबर आई थी कुछ एक्सक्लूसिव नेटवर्क का, अब वो पस्त पड़ता हुआ तो उसको बस बातचीत इसलिए मैंने करी भी नहीं थी, थोड़ा सा ठंडा इस समय कामकाज करता हुआ। महिंद्रा लाइफ स्पेस बढ़िया पिकअप हो रहा है मेरे ख्याल से आजकल में ही वीरू और हर्षदा ने इसी शो में कल या परसों बातचीत करी भी है महिंद्रा लाइफ स्पेस के मैनेजमेंट से। महिंद्रा लाइफ स्पेस महिंद्रा लाइफ स्पेस नहीं था वो तो महिंद्रा हॉलीडेज थे जिसका मैनेजमेंट था। महिंद्रा लाइफ पे 10% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ, तो कई सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स बढ़िया मूव दिखाते हुए। हाँ लार्ज कैप थोड़े से पस्त लार्जली क्योंकि एक्सपायरी रिलेटेड पैंक्स थे, लेकिन वीरू आज की पस्त सेशन मिड कैप अच्छा मैं थोड़ा सा कुकी और मार्क कर दूं। मिड कैप्स 1/4% के उछाल के साथ फाइनली क्लोज होंगे, ब्रेथ हल्की सी वीकनेस के साथ ही आपको नजर आएगी। चलिए क्लोजिंग को अब मार्क करने का समय है, वीरू कुछ और बात करनी है एक्सपर्ट से कि क्लोजिंग मार्क कर ली जाए? क्लोजिंग मार्क पे वॉल पे जाइए, आशीष जाएंगे वॉल पे और देखिए क्लियरली बोल दिया मैंने आशीष जाएंगे वॉल पे। अच्छा बोला था क्या? आशीष जा भी नहीं सकता वॉल पे, ओवर टू यू आशीष। एक्सपायरी का दिन 1/4% के दबाव के साथ कामकाज की समाप्ति होती हुई 17,450 के जोन के आसपास, तो मोटा मोटी वो रेंज के ब्रेकआउट हुआ था, एक्सपायरी आते आते वो सस्टेन नहीं हुआ, फिर उस दायरे के आसपास ही हम मंथली एक्सपायरी की एक्सपायरी क्लोज होते हुए देखेंगे। क्या रेंज थी वो? 17,000, 17,400, 17,450 ऑन द वे अपसाइड, उसी 17,450 के आसपास के जोन में सिमटते हुए निफ्टी बैंक आज ट्रेडिंग सेशन में एकदम फ्लैट कामकाज करता हुआ। कुछ खबरों का टेलविंड था पर मिला जुला रुझान रहा और फ्लैट निफ्टी बैंक बंद हुआ। निफ्टी आईटी में थोड़ा सा प्रेशर, 1/3% के दबाव के साथ निफ्टी आईटी आज बंद होता हुआ नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप्स के इंडेक्स देख लीजिए, मिड कैप्स 1/4% का उछाल और स्मॉल कैप्स में भी आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा हरकत में। ब्रेथ थोड़ा सा डिक्लाइंस के फेवर में थी आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो थोड़ा आज अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स में थोड़ा पस्त कामकाज होता हुआ नजर आया। दिन के दौरान जो खबर आई थी, इंट्राडे चार्ट दिखाएंगे निफ्टी का क्या, दिन के दौरान एक अच्छा मूव जरूर लिया था हमने निफ्टी पे और पर वो सस्टेन नहीं हुआ। वो मूव आया था निफ्टी बैंक ने ड्राइव करा था उस मोमेंटम को, जब खबर आई थी कि भाई रशिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और कुछ तैयारी हो रही है हमें सस्ता क्रूड वूड, उसके बाद वो खबर पे रिएक्ट तो करा था जरूर हमने पर ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए। जरा 50 स्टॉक्स का इंडेक्स क्विकली दिखाइएगा स्क्रीन पे, वो हीट मैप दिखाइएगा कौन कौन से स्टॉक्स किस तरह के परफॉर्मेंस के साथ बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत हुई थी तो ये इकलौती लकीर थी लाल में, बंद होते होते आधी से ज्यादा स्क्रीन लाल पे आ गई आपकी।